हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विशी छतवानी। आज हम करेंगे इनकम टैक्स का 25th सैम्पल पेपर। हर सैम्पल पेपर की तरह इसमें भी 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपके CA, CS, CMA या कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सर। तो आज का सर पहला क्वेश्चन आता है कि अगर म्यूनसिपल वैल्यू किसी मकान की 150,000 हो, फेयर रेंट 180,000 हो, स्टैंडर्ड रेंट 160 हो, एक्चुअल रेंट 20,000 महीना हो, म्यूनसिपल टैक्सेस 20% हो, अनरियलाइज रेंट 40,000 हो, तो ऐसे केस में मकान का एनुअल वैल्यू क्या होगा। तो हमें समझ में आता है कि यह हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मकान का जो एक्चुअल किराया है वो तो है 20,000 महीना, लेकिन हम जानते हैं कि हमें थ्योरेटिकल किराया भी देखना होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको म्यूनसिपल वैल्यू देखनी चाहिए और फेयर रेंट देखना चाहिए, उसमें से बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करनी चाहिए। तो पहले सर आप क्या कीजिए, 150 और 180 में से 180 को सेलेक्ट कर लीजिए। आफ्टर दैट 180 और 160 जो कि स्टैंडर्ड रेंट है उसमें से लोअर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका रेंट स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं कर सकता। तो यहां से आपका वैल्यू सेलेक्ट हुआ 160,000। तो स्टेप वन आपका कंप्लीट हो गया, 160,000 आ गया। सेकेंड स्टेप पे आपका एक्चुअल रेंट आएगा विच इज़ 240,000, बट उसमें से 40,000 डूब गया, तो वो हो गया 2,00,000। ठीक है, तो 160,000 और 2,00,000 के कंपैरिजन में 2,00,000 जीत जाएगा। 2,00,000 को हम कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ओके, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से आपको म्यूनसिपल टैक्स लेस करना है। म्यूनसिपल टैक्स जो दे रखा है वो है 20% ऑफ द म्यूनसिपल वैल्यू, तो 30,000 लेस हो जाएगा इफ़ पेड बाय ओनर, और देन फिर आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू और यू कैन से एनुअल वैल्यू। जल्दी से स्टेप दोहरा दें, म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट बड़ी वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू आए उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो छोटी वैल्यू, फिर जो आए उसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो बड़ी वैल्यू, उसके बाद अगर म्यूनसिपल टैक्स आप पे करते हो तो उसे आप लेस कर देना, यू विल गेट NAV, नेट एनुअल वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, मिस एडविना अ सिटीजन ऑफ USA अराइव्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2020 एंड लेफ्ट फॉर नेपाल ऑन 15 दिसंबर 2020। शी अराइव्ड टू इंडिया अगेन ऑन January 21 एंड स्टेड टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021। हर रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर वुड बी ओके। तो एक एडविना के बारे में क्वेश्चन है, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर है। वो इंडिया में पहली बार आई हैं, और इंडिया में पहली बार आई है जुलाई में, जुलाई के बाद वो 15 दिसंबर तक रही, तो वो करीबन 5.5 महीने इंडिया में रही। कुछ दिन के लिए नेपाल गई और वापस जनवरी में आ गई, तो 3 महीने करीबन वो जनवरी में भी इंडिया में रही, जनवरी फरवरी मार्च भी रही। ओके, तो आप अगर इसके महीने गिनेंगे, अपने बिल्कुल दिन बाय डे बाय डे गिनेंगे, तो पहले ये 5.5 महीने करीबन इंडिया में रही, करीबन 165 डेज़ हो जाएंगे, और उसके बाद लास्ट के 3 महीने भी रहे तो करीबन 245 डेज़ हो जाएंगे। एग्जैक्ट डेट तो हम गिन ही लेंगे, बट मुझे समझ आता है कि 182 डेज़ से ज़्यादा ये इंडिया में रही। अगर कोई भी पर्सन इंडिया में 182 डेज़ से ज़्यादा रहता है, इसका मतलब है कि वो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद हम एडिशनल कंडीशंस चेक करते हैं। एडिशनल कंडीशंस ये होते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 प्रीवियस ईयर हैं उसमें 2 बार रेजिडेंट प्रूव होना होता है, जो कि ये नहीं हो पाएगी क्योंकि ये पहली बार इंडिया में आई, उससे पहले ये इंडियन रेजिडेंट कभी रही ही नहीं। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर से पहले के जो 7 प्रीवियस ईयर होते हैं उसमें 730 डेज पूरे करने होते हैं, वो भी ये पूरे नहीं कर पाएगी। तो ये एडिशनल कंडीशंस में फेल हो जाएगी और बेसिक कंडीशन पूरी कर लेगी तो इसका जो स्टेटस लगेगा वो लगेगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जो बेसिक और एडिशनल दोनों पूरी कर देता है वो होता है आपका रेजिडेंट। जो बेसिक पास करे एडिशनल में रह जाए वो होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और जो बेसिक ही क्वालिफाई नहीं कर पाए वो होता है नॉन रेजिडेंट। होप मैं आपको समझा पाया। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया है सर, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसका आप ये पूरा डेज वगैरह का हिंट देख लीजिएगा कि ये कितने क्या दिन रही, पहले आई जुलाई में आई, वहाँ से वहाँ तक रही, ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये सारे महीने दिन आप गिन लेना, ठीक है सर। चलिए, और ये कहते हैं करीबन 250 डेज़ इसके हो जाएंगे, एग्जैक्ट तो आप काउंट कर लोगे। सो शी फुलफिल फर्स्ट बेसिक कंडीशन बट शी नेवर बीन रेजिडेंट इन 2 out of 10 प्रीवियस ईयर एंड शी वाज नॉट इन 730 डेज इन द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, सो शी डिड नॉट फुलफिल द एडिशनल कंडीशन, सो शी विल बी रिगार्डेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है,
द वैल्यू ऑफ फ्री अकोमोडेशन इन दिल्ली प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन द प्राइवेट सेक्टर इज. ओके, तो ये है सैलरी चैप्टर का क्वेश्चन. एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है. अगर प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है और अगर एम्प्लॉयर ने उसे रहने के लिए मकान दिया है तो इट इज़ अ फैसिलिटी. फैसिलिटी है तो वैल्यूएशन होगा. वैल्यूएशन में होता है इसमें 15% ऑफ सैलरी. अगर एक बड़े शहर में रहने का मकान मिला है तो इट विल बी टेकन एज 15% ऑफ सैलरी. कुछ मामलों में 7.5% और कुछ मामलों में 10% भी होता है. बट दिल्ली इज़ अ मेट्रो सिटी हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख, इसलिए इस क्वेश्चन में लगेगा 15% ऑफ सैलरी. इसका आपका बी आंसर रहेगा. ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, तो अगला क्वेश्चन है, हिंट कहता है कि आप ये याद कर लीजिए कि अगर जस्ट अ मिनट, थोड़ा पीछे जाते हैं. ओके, थोड़ा सा हट गया है. बट ये पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम होता है तो यहाँ पे होता है आपका 7.5%. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे होता है 7.5%. और अगर आबादी 10 लाख से 25 लाख के बीच होती है तो यहाँ पे होता है 10%. और अगर पॉपुलेशन 25 लाख को एक्सीड करता है तो यहाँ होता है 15% ऑफ सैलरी. ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है, इन टैक्स लॉस डोनेशन टू नोटिफाइड एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड एज. तो अब अगर PGBP चैप्टर की बात करें और अगर कोई बंदा है और वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देता है तो उसे कितनी डिडक्शन मिलेगी. आपके पास चार ऑप्शन हैं. पहले के ज़माने में वेटेड डिडक्शन होता था. वेटेड डिडक्शन का मतलब है जितना आप डोनेशन दोगे उससे ज़्यादा आपको डिडक्शन मिलता था. लेकिन फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 onwards अब आपके लिए वेटेड डिडक्शन बंद है. अब आपको मिलेगा 100% ऑफ द डोनेशन. तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपका आंसर बी रहने वाला है, 100% ऑफ द डोनेशन. ओके सर, और इसके भी एक स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे. ये कहता है कि ये टेबल है जो आपको डिडक्शन के बारे में बताएगी. पहले ये था, यानी असेसमेंट ईयर 18-19 से शुरू करके असेसमेंट ईयर 2021 तक ये था कि अगर आप किसी अप्रूव्ड साइंटिफिक एसोसिएशन को डोनेशन देते हो, वो रिसर्च करती है, वो चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना रिलेटेड हो, तो 150% डिडक्शन था. अगर आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट को डोनेट करते हो तो भी 150% डिडक्शन था. या अगर आप सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए देते हो तो पहले भी 100% ही था. लेकिन अब इन्होंने रूल्स में कन्फ्यूज़न ख़त्म कर दिया है. अब इन्होंने कहा है हर मामले में 100% ही होगा. तो एज़ यू कैन सी 100% डिडक्शन ही आपको मिलेगा. चलिए सर आगे बात करते हैं. वेल, 485th क्वेश्चन कहता है, आज का पांचवा क्वेश्चन, रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड विद सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो ये एक रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है, फिर भी मौके पे याद आए तो आसान है, मौके पे याद नहीं आए तो सब मुश्किल ही मुश्किल है सर. तो आयकर के विवरण ही आप कौन से सेक्शन में भरते हो, तो इसका आंसर है 139(1). ये सेक्शन असेसी से उम्मीद करता है कि वो रिटर्न दाखिल करेगा. उसके लिए जुलाई या सितंबर तक का टाइम मिलता है. इस साल भले ही कोरोना की वजह से या पोर्टल नया आया था उस वजह से डेट भले एक्सटेंड कर दी हो, पहले सितंबर कर दी फिर दिसंबर कर दी, भले कुछ भी, अदरवाइज 139(1) एक तो बताएगा कि आपको रिटर्न फाइल करनी है, सेकंड वही आपको डेट मेंशन करेगा कि कब तक फाइल करनी है. ठीक है, तो इसका आंसर 139(1) रहेगा. ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको. और कुछ बातें और हैं सर, जस्ट अ मिनट. और एक बात और ही कहता है कि जो कंपनीज होती हैं और पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं सर, उनके लिए मैंडेटरी होता है कि उनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है. जहाँ तक बात है कंपनी की और पार्टनरशिप फर्म की, उनको मैंडेटरी अपना रिटर्न फाइल करना होता है. और जो इंडिविजुअल होता है जिसको खुद की रिटर्न भरनी है या किसी की रिटर्न भरने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर उसकी इनकम एक बेसिक लिमिट को क्रॉस करती है, इस कॉन्टेक्स्ट में ग्रॉस टोटल इनकम देखा जाता है, अगर उसकी जो GTI होती है वो 2.5 लाख को क्रॉस करती है, भले डिडक्शन के बाद उसकी इनकम 2.5 लाख से कम हो जाए, भले उसका टैक्स ना बने, बट अगर उसकी GTI बेसिक लिमिट को क्रॉस करती है तो ही और शी हैज़ टू फाइल रिटर्न. वेल, अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग. इसमें आपको मैच करना है, जैसे एक तरफ लिखा है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स,
मैं आपको बता दूं इसमें पांच ऑप्शन थे, हालांकि दो ऑप्शन कट गए हैं, बट मैं आपको बता देता हूं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसी आइटम है जो आपके बिजनेस के लिए अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। आप पहले लॉजिक समझ लीजिए। देखिए, कुछ लोग शेयर में ट्रांजैक्शन करते हैं कभी कभी, वो लोग कैपिटल गेन हेड में जाते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में डेली ट्रांजैक्शन करते हैं या आए दिन रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके लिए वो बिजनेस है। अगर उनके लिए वो बिजनेस है तो वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को एज एन एक्सपेंस दिखा सकते हैं। कैपिटल गेन में जाने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस हेड में जाने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को क्लेम कर सकते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू पेंशन फंड। देखिए, एम्प्लॉयर जो होता है वो सैलरी में से डिडक्शन करता है, ठीक है। जितना पैसा वो काटता है उतना पैसा वो अपनी जेब से मिलाता है। फॉर एग्जांपल, 80,000 की सैलरी है तो 8,000 वो एम्प्लॉयर काटेगा, 8,000 वो अपनी जेब से मिलाएगा। जो वो अपनी जेब से मिलाएगा वो एक तरह से एम्प्लॉयी के लिए फैसिलिटी है, एम्प्लॉयी के लिए एक तरह सा बेनिफिट है, तो वो एम्प्लॉयी की सैलरी में जुड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, एम्प्लॉयर जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है वो एम्प्लॉयी की सैलरी में जोड़ा जाएगा। और होशियार बच्चा ध्यान दे कि बाद में उसे ATCCD2 का बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलती है, ठीक है। तो सेकेंड तो सामने का सामने मैच हो गया एक तरह से, ठीक है। दो ऑप्शन थोड़े से प्रिंट मिस्टेक हो गया है। चलिए, वैसे इसका PDF अवेलेबल है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF गिवन है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन बड़े साफ दिखाई दे जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज डोनेशन इन काइंड। वेल, अगर आप डोनेशन देते हैं किसी संस्था को तो आपको कैश में देना चाहिए 2,000 तक। बड़ा डोनेशन देना है तो चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से देना चाहिए। अगर आप वस्तु के तौर पे कोई डोनेशन देते हो, डोनेशन एज अ काइंड देते हो, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। अगर आप पंखा, कूलर, एसी, कंबल, ऐसी कुछ चीज़ें डोनेट करते हो तो यू विल नॉट गेट डिडक्शंस, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और ये पूछना चाहता है कि जो आपका सेक्शन 54EC होता है, 54EC, उसमें जो आपकी लिमिट होती है, जिसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 54EC, उसमें आपकी लिमिट होती है 50,00,000 तक की, कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को बेचा तो कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कराने के लिए आप 54EC में जा सकते हैं और वहाँ टोटल या कहें मैक्सिमम आपको 50,00,000 का तक का डिडक्शन मिल सकता है। और इसके अलावा एक पॉइंट इसके अंदर और है, से ग्राउंड रेंट। वेल, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी में यू नो कि आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो आपको ग्राउंड रेंट या इंश्योरेंस या वॉचमैन सैलरी, इस तरह की कोई डिडक्शन नहीं मिलती। होप मैं आपको पांचों पॉइंट बता पाया, ठीक है। चलिए, तो ये इसके बाद कुछ ये बातें और आपको समझाएगा। ध्यान दीजिएगा कि डोनेशन 2,000 तक आप कैश कर सकते हैं, उससे बड़ा डोनेशन चेक या ड्राफ्ट से होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप डोनेशन के तौर पे चीज़ देते हैं, वस्तु देते हैं, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक और बात है कि अगर आप खुद भी कोई दान पुण्य करते हैं, आपने जैसे कोई लंगर चला दिया, भंडारा खिला दिया, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ATG का बेनिफिट लेने के लिए आपको किसी और संस्था को पेमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द हेड। वेल, आराम से सुनिएगा। एक कर्मचारी था, एक एम्प्लॉय था, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद जो उसकी विडो है, जो उसकी बीवी है, उसको कहें पेंशन मिलता है, तो इसे कहेंगे फैमिली पेंशन एंड इट विल बी टैक्सेबल, यस, अंडर द अदर सोर्स हेड, ठीक है। एम्प्लॉय खुद जिंदा रहता, उसे पेंशन मिलता, तो इट विल गो टू सैलरी हेड, बट एम्प्लॉय के जो जीवन साथी है, स्पाउस को मिलता है, तो इट विल बी टर्म्ड एज फैमिली पेंशन एंड इट विल बी टैक्सेबल इन द अदर सोर्स हेड। तो इसका आंसर सर आपका डी रहने वाला है, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल, ये कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन या मास्टर सर्वेंट रिलेशन नहीं है पेंशन देने वाले और अभी पेंशन लेने वाले के बीच में, इसलिए आपका सैलरी हेड नहीं लगेगा। तो उन्होंने रीजनिंग देने की कोशिश की है। चलिए, सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड। जो हमारे MPs होते हैं, MLAs होते हैं,
एमपी थोड़ा बड़ा लेवल होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे जो सैलरी मिलती है वो भी अदर सोर्स में जाती है। क्योंकि सैलरी मिलती है तो हमें लगेगा कि ये सैलरी हेड में जाना चाहिए, बट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, वो कहें जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो उनको आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहते, तो इसलिए सर उनको जो सैलरी मिलती है वो अदर सोर्स में जाया करती है। तो इसका आंसर भी आपका डी रहेगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ से देख लेते हैं। यस, इसका आंसर डी रहेगा। वेल ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर्स इज अलाउड अप टू। वेल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक जो फर्म है वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे सकती है ऑन देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 12%। अब एक बात याद रखिए, कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि भाई 12% फिक्स दिखता है, 12% फिक्स नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म 10% इंटरेस्ट लेना चाहती है तो 10% ही लेगी, लेकिन अगर वो 15% लेना चाहते हैं, 12 से ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो 12% तक का रिस्ट्रिक्शन है। तो यूँ कह लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम 12% तक ही अलाउ होता है, ठीक है, उसके बाद वो अलाउ नहीं होता। चलिए थोड़ा सा इसका सिस्टम चेंज हो गया है तो मुझे एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। वेल, इन्होंने कुछ बातें और बताई है आपको। ये कहते हैं कि इनकम टैक्स के जो प्रोविज़न है उसमें आप 12% से ज़्यादा नहीं दे सकते, वो भी आप तब दे सकते हो जबकि आपकी पार्टनरशिप डीड में ये बात साफ साफ लिखी हुई हो। एक और बात है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे हम बचपन में सुनते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन सर 6% होता है, वो पार्टनरशिप की जब अकाउंट्स पढ़ते हैं और जहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं होता है वहाँ होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की भी मैक्सिमम सीमा 12% है, तो या तो आप डीड में लिख दो कितना चाहिए पर वो 12 से ज़्यादा नहीं होगा, और मैक्स टू मैक्स 12% की लिमिट होती है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन के भी रूल वही हैं। चलिए ठीक है सर, अगला क्वेश्चन आता है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज असर्टेन्ड एज पर द प्रोविज़न ऑफ। और मैंने हमेशा कहा है, इससे पहले की भी जितने भी मैंने बनाए हैं वीडियोस, मैंने कहा है कि आप तो क्वेश्चन आए तो पॉज कर लिया करो, पॉज करके आप इसका आंसर सोचा करो, नहीं आए तो सुनो, आता है तो जल्दी जल्दी चलाते जाओ, या तो नहीं सुनना वीडियो कि सर आपकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप सिंपली पीडीएफ पे चला जाया करो, जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ गिवन होता है आप वहाँ चले जाओ, ठीक है। तो चलिए, तो रेजिडेंशियल स्टेटस कौन से प्रोविजंस या किस सेक्शन के तहत निकालते हैं, तो सर इसका सेक्शन 6 है, याद रखिएगा। ये थोड़े से रटने वाले क्वेश्चन है, बट वही ना मैंने कहा, जब तक क्वेश्चन नहीं आता तो कुछ भी नहीं लगता, आने के बाद लगता है अरे यार तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये तो देखना ही चाहिए था। तो सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस, और हमें पता है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ, मेरी थोड़ी आदत है कि एक क्वेश्चन में अगर आप 2-3 चीज़ें जोड़ के याद कर लो तो आपको ज़्यादा याद होता है, केवल आप इतना याद करके चले जाओ तो मैं नहीं मानता। आप इसको सुनिए कि जैसे इंडिविजुअल और जो एचयूएफ होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। इनके अलावा जो बाकी सारे लोग होते हैं उनकी 2 ही कैटेगरी होती है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, और ये सब रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे होता है, डिपेंडिंग ऑन 182 डेज रहा या नहीं रहा, या फर्म का कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ है, इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, और वो सब आप पढ़ के आए हैं। अभी मैं जो है वो सीधा आपके क्वेश्चन लेके आपका टेस्ट ले रहा हूँ एक तरह से। चलिए सर आगे। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है, द असेसी कैन क्लेम रिलीफ अंडर फॉर --- फॉर एरियर और एडवांस सैलरी। अच्छा, यानी जैसे किसी एम्प्लॉय को एरियर सैलरी मिल जाए, मतलब उसका जो रुका हुआ वेतन था, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय के खिलाफ शिकायत आ गई और उसका कुछ वेतन रुक गया, आधा पेमेंट मिला आधा नहीं मिला, और बाद में जब वो मैटर सॉल्व हुआ, सॉर्ट आउट हुआ, तो उसे बहुत सारा पैसा एक साथ मिला, तो क्या होगा कि जब एक साथ बहुत सारा पैसा मिलेगा तो उसका वो हाई रेंज में पहुंच जाएगा, उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। या कोई एम्प्लॉय हो सकता है कि एडवांस सैलरी उठा ले, अगर उसे एम्प्लॉयर अलाउ करे, तो रिसिप्ट के बेसिस पे उसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी। वेल, ऐसे मामलों में अगर आपका टैक्स ज़्यादा लग रहा है, आपको लगता है कि वैसे मेरा टैक्स उतना नहीं बनता, तो इन सच केस आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो सेक्शन 89(1). तो आपको सर इसका याद रखना है, सेक्शन 89(1) में जाके आप को जो एरियर सैलरी मिला है या एडवांस सैलरी मिला है, जिस वजह से आपका टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, तो यू कैन क्लेम फॉर सेक्शन 89(1) रिलीफ। ओके ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंट में कुछ कहता है,
ये हिंट भी थोड़ा सा पीपीटी गलत सेट हो गया। खैर ये रूल पढ़ लीजिए, रूल पढ़ लीजिए, आगे आने वाले क्वेश्चन में काम आएगा कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसे वीरता सम्मान मिला है, गैलेंट्री अवार्ड मिला है, तो जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। इसी तरह से जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, सशस्त्र सेना के जवान होते हैं या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, उनके जवानों को ऑपरेशन के दौरान अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनके फैमिली मेम्बरान को जो पेंशन मिलती है वो एग्जेम्प्ट होती है। ऑर्डिनरी केसेस में हमने देखा कि पेंशन मिलती है तो उसे फैमिली पेंशन कहते हैं और उसे टैक्सेबल करते हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की अगर डेथ हो गई ड्यूरिंग ऑपरेशन तो फिर जो पेंशन मिलेगी घर वालों को वो एग्जेम्प्ट हुआ करती है, होनी भी चाहिए। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन दे देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, रेम्यूनरेशन पेड टू द लेक्चरर ऑफ अ कॉलेज फॉर सेटिंग अ क्वेश्चन पेपर। वेल, अगर कोई कॉलेज का लेक्चरर है, उसने पेपर सेट किया, उस लिए रेम्यूनरेशन मिला, तो वो अदर सोर्स में जाएगा। सर इसमें आप श्योर रहिएगा कि वो आपका अदर सोर्स में जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एडिशनल काइंड ऑफ इनकम है, एक्स्ट्रा टाइप ऑफ इनकम है। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेल ये हमने अभी देखा था कि जो एमपी साहब को सैलरी मिलेगी वो सैलरी अदर सोर्स में जाएगी। कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ कंपनी, यहाँ पे जो डायरेक्टर है ना, वैसे जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उसमें भी एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ लोग होल टाइम डायरेक्टर या फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं, या उनमें कहें एम्प्लॉय डायरेक्टर वो होते हैं और उनके बीच में एम्प्लॉय एम्प्लॉय वाला रिलेशन होता है, ऐसा सी मामले में है। तो सैलरी इसने कहा कौन सा, अच्छा क्वेश्चन ये भी देखना है कि कौन सा सैलरी हेड में नहीं जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि ए और बी सैलरी हेड में नहीं जाएंगे, सी वाला जो है वो सैलरी हेड में जाएगा। थोड़ा सा अलर्ट रहना, ठीक है, चलिए होप मैं आपको समझा पाया। वेल द अगला क्वेश्चन, ये तो खैर अब हमने इसका नोट पहले देख लिया। द फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉई, तो ये फैमिली पेंशन इन सच अ केस एग्जेम्प्ट होगा और पूरी तरह से कर मुक्त, यानी इसका आंसर ए आएगा। कुछ भी किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है, इट्स सिंपली एग्जेम्प्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव इज गिवन बाय डैश डैश सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। वेल सेक्शन पे काफ़ी क्वेश्चन आ गए आज। हमें याद है कि जो एम्प्लॉय होता है अगर वो रिटायर होता है और उसके खाते में छुट्टियां पड़ी है, उसके खाते में छुट्टियां पड़ी है, वो छुट्टियां जो वो ले सकता था पर उसने नहीं ली, तो उन छुट्टियों के बदले उसे पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट, और लीव इनकैशमेंट कुछ हद तक एग्जेम्प्ट होता है। उसके जो रूल दे रखे हैं ना, वो दे रखे हैं 10-10AA, 10-10AA, तो इसका जो सेक्शन लगेगा वो ए लगेगा। अब आपको सर नंबर से सेक्शन याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन होते हैं ग्रेचुटी के, फिर होते हैं सेक्शन आपके पेंशन के, ग्रेचुटी पेंशन, उसके बाद ये आता है अर्नड लीव इनकैशमेंट। इसके अलावा आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, जहां आपको नौकरी से छांट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और लास्ट में आता है VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो ये सारे सेक्शंस आपको नंबर से याद रखने हैं। अभी इसका मैंने 10-10AA बताया, ठीक है। चलिए आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको ये पांचों सेक्शन अच्छे से याद करके जाने, एक बार मैं आ जाएँ स्क्रीन पे। चलिए सर अब आ गए हैं। तो जो ग्रेचुटी वाले पॉइंट हैं, ग्रेचुटी जब आपकी किसी की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो उसका सेक्शन है 10-10। जो पेंशन के बदले आपको लमसम पैसा मिलता है उसका सेक्शन है 10-10AA। जो अभी अपन ने क्वेश्चन देखा वो है 10-10AA, और जो आपके एम्प्लॉय का कहें छटनी वटनी हो जाता है तो उसका लिए है आपका 10-10BB, रिट्रेंचमेंट जहाँ आपको हटा दिया जाता है, और जहाँ पे आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट है वहाँ पे होता है 10-10C। चलिए सर ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट इज गिवन बाय। वी आर एस वाला पॉइंट था बिल्कुल लास्ट ही, लास्ट में इसको था 10-10C। तो अगर देखिए आपने याद कर रखा है ना, फिर तो आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब अगर आप मान लीजिए देख के गए यही क्वेश्चन उठ के आ गया, तो आपको इतनी खुशी होगी कि भाई पूछो मत, अरे वाह यार मज़ा आ गया, लाइक
ठीक है ना। तो क्वेश्चन यही कोशिश की है कि हर तरह के क्वेश्चन रखे हैं, सिंपल हार्ड एंड ऑल। मेन ये एक तरह से रिकॉल क्वेश्चन है कि आपको याद आए जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रहता है या नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जेड आफ्टर अबाउट 20 ईयर्स स्टे इन इंडिया रिटर्न्स टू अमेरिका ऑन 29th ऑफ जनवरी 2017। ही केम टू इंडिया इन जून 19। हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 विल बी। वेल, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले ये 20 साल इंडिया में रहे, फिर वो अमेरिका लौट गए और वापस अब जून 19 में आए हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन है 2021 के लिए असेसमेंट ईयर, तो इसका जो प्रीवियस ईयर हुआ वो प्रीवियस ईयर हुआ 1920। ओके, प्रीवियस ईयर 1920 में जून में वो आ गए, जून में वो आ गए तो काफ़ी टाइम हो गया। अगर जून में आ गए तो मार्च तक रहे तो आराम से इसके 182 डेज क्रॉस हो जाएंगे। अब ये इसके अगर 182 डेज क्रॉस हो गए तो इसकी बेसिक कंडीशन हो गई पूरी। वेल, ठीक है, आराम से बेसिक कंडीशन पूरी हो गई तो एक्स्ट्रा कंडीशंस क्या आती है कि 7 साल में 730 डेज, तो 730 भी वो पूरा कर देंगे और 10 में से 2 साल रहना वाला कंडीशन भी पूरा कर देंगे। आई थिंक ये पट्टा रेजिडेंट होगा। अभी अपन इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन आने देते हैं। और यस, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। आप देखिएगा आराम से, देखिए बेसिक कंडीशन होती है 182 डेज की, तो जून 19 में आ गया तो मार्च 20 तक ये 9 महीने में आराम से 182 डेज पूरे कर देगा। आप पीछे के 10 साल का कैलेंडर तैयार करेंगे तो 10 में से 2 साल ये आराम से रह जाएगा, क्योंकि 1-2 साल के अलावा बाकी टाइम वो इंडिया में ही था। और इसके अलावा जो 7 ईयर में 730 डेज होते हैं वो भी वो पूरा कर देगा। ठीक है, आप जस्ट पीछे के लिए कुछ एक प्रीवियस ईयर लिख दीजिए, आपको आराम समझ में आ जाएगा अगर ओरल कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे तो। वेल, अगला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन 31st मार्च 2020। द कंपनी पेड 80,000 रुपी इन लियू ऑफ कम्यूटेशन ऑफ 25% ऑफ पेंशन एज ऑन जनवरी 21, बट डज नॉट पे एनी ग्रेचुटी टू इट्स एम्प्लॉइज। द अमाउंट टैक्सेबल एज कम्यूटेड पेंशन फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इज। ठीक है, आराम से क्वेश्चन समझो। एक बंदा है, वो रिटायर हुआ मार्च 20 में, उसके बाद जनवरी 21 में उसने कहा कि भाई मेरी पेंशन का कितना परसेंट, 25%, मेरी पेंशन का 25% मेरे को अभी दे दो, एक साथ दे दो, एंड ही इज़ एबल टू रिसीव 80,000। गौर कीजिएगा, अगर इसे 80,000 मिला है तो इट रिप्रेजेंट 25% अमाउंट है ना, तो इसका जो टोटल पेंशन हुआ वो उसका टोटल पेंशन हुआ 3,20,000 रुपये। मैं आपको टोटल पेंशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टोटल पेंशन में से या तो 1/3 एग्जेम्प्ट होता है या 1/2 एग्जेम्प्ट होता है। जहाँ ग्रेचुटी नहीं मिलती है वहाँ 1/2 एग्जेम्प्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का फुल पेंशन है 1,320, इसका हाफ अमाउंट होता है 160 तक एग्जेम्पशन है। तो ये जो 80,000 है वो पूरा एग्जेम्प्ट है। क्वेश्चन पूछा था टैक्सेबल कितना है, टैक्सेबल है कुछ नहीं। आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखिएगा, आपका टैक्सेबल फिगर कुछ नहीं आएगा। 4 ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे नहीं मैंने सेट किया है। तो मतलब इसमें देखो, एक 80,000 रुपये का जो फिगर है ना वो है रिसीव्ड अमाउंट, जो 320 अमाउंट है वो है फुल पेंशन, और 160 का तक का इसका एग्जेम्पशन बनेगा। और चूंकि 160 तक एग्जेम्पशन है तो फिर 80 टैक्सेबल कहाँ से होगा, तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा डी, निल इसका आंसर रहने वाला है। आप देखिएगा इसका आंसर अभी देखते हैं अपन, यस निल आने वाला है। और रूल्स याद करके जाइएगा, रूल ही सब कुछ होता है सर, खास करके इनकम टैक्स में। देखिए इसमें 2 केस हो सकते हैं, हो सकता है एम्प्लॉई को ग्रेचुटी मिलता हो और ना मिलता हो। अगर आपको ग्रेचुटी मिलता है तो 1/3 एग्जेम्पशन है, और इस क्वेश्चन में जैसे ग्रेचुटी नहीं है तो 1/2 एग्जेम्पशन है। ठीक है, कीप इन माइंड। चलिए अब बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फ्री होने वाले हैं आप। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है, मार्जिनल रिलीफ ऑन इनकम टैक्स ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल वाज अवेलेबल अंडर विच सेक्शन। वेल, कभी कभी क्या होता है, आपकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जैसे अभी इंडिविजुअल के लिए रूल ये है कि 50 लाख रुपए से इनकम ज़्यादा हो गई तो सरचार्ज लग जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, इनकम 50 लाख से स्लाइटली ऊपर चली जाती है, उस वजह से सरचार्ज लग जाता है, उस वजह से आपके ऊपर टैक्स बेवजह बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। या फर्म के मामले में 1 करोड़ से इनकम थोड़ी सी आगे चली जाती है और टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाता है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलती है। और वो किस सेक्शन में है, अगेन सेक्शन 89 में है। तो सेक्शन 89 के तहत
आपका रिलीफ हुआ करता है। 87A मत देखना, 87A रिबेट का सेक्शन है एंड ही इज टॉकिंग अबाउट मार्जिनल रिलीफ, सीमांत राहत के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहना है ना। जो आपने पॉपुलर सेक्शन पढ़े हैं वो नहीं, जो पूछा है वो बताना है आप। सर दो क्वेश्चन और रह गए थे, इसमें था एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ओन्ड फॉर 5 ईयर इन रूरल एरिया इज वेल। अगर आप समझिए, अगर रूरल एरिया है, आपके पास जमीन है और वो खेती में काम आती है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अगर ये साबित हो जाता है तो फिर आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। रीज़न, क्योंकि जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल असेट के डेफिनेशन में नहीं आती। जो गांव वाले हैं उनको ज़मीन खरीदने बेचने में दिक्कत ना हो, इसलिए एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि भाई उसको कैपिटल असेट के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, तो फिर कैपिटल गेन ही अराइज नहीं होगा। तो फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इट्स सिंपली आपका एग्जेम्प्ट है सर। तो आप याद कीजिएगा, ये आपका सीधा एग्जेम्प्ट है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट है ये। अब हिंट, बस यही मैंने जो रीज़न बताया कि उनको बेवजह दिक्कत ना हो, सो इसे कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेनेशन गिव्स टू द मेन प्रोविज़न, जैसे सेक्शंस होते हैं, रूलिंग्स होती हैं, वैसे एक होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन क्या, नाम में क्या है, एक्सप्लेन करता है, उसको क्लैरिफिकेशन देता है, उसको स्पष्टीकरण देता है, रूल क्या कहना चाहता है, सेक्शन क्या कहना चाहती है, या क्या भावना के साथ उसे बनाया गया है, या कोई प्रोसीजरल अगर दिक्कत है तो उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है, एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन, ठीक है सर। ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो यूज़फुल लगा हो, काम का लगा हो, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका PDF लिंक दिया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू।